टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच बीच होगा, तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ मैं बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूंगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था, फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। आपका नाम? राकेश देवनाथ। दादा आप कहाँ से कहाँ तक सवारी कर रहे हैं? अगरतला से सियालदा। अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच बीच होगा, तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ मैं बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूंगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया, आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है, तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था, 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हम यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया, अभी मेरे बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी आया ट्रीटमेंट करने के लिए। मीडिया पर्सनल एंड अदर्स।